पहली बॉल करेंगे लोकेश चाइना और वाइड बॉल राहुल सोलंकी और लोकेश मीना एक तरफ हैं और लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर एक तरफ हैं। दूसरी बार मुकाबला खेला जाता हुआ 20,000 रुपये का सेट और 1,00,000 की हार जीत। जो भी भाई कह रहे थे कि कल आके देखें कि मैच होते हैं या नहीं होते हैं, पहली बॉल करेंगे लोकेश चाइना और डॉट बॉल, पहली बॉल डॉट, काफ़ी अच्छी कटर बॉल थी और डॉट बॉल, और दूसरी बॉल ओवर द विकेट लोकेश चाइना और एक और डॉट बॉल, लगातार दो बॉल डॉट, डबल विकेट मुकाबला चलता हुआ। तीसरी बॉल करेंगे लोकेश चाइना ओवर द विकेट और एक और वाइड बॉल, पहले मैच की तीसरी बॉल करेंगे लोकेश चाइना और बेहतरीन शॉट मारा है, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ और डॉट बॉल और वन बाउंस 4 रन, तीसरी बॉल भी लगातार डॉट और हाइट की नो बॉल, बीमर बॉल और बैट में लगी हो रही है, डॉट बॉल है, नो बॉल भी चौथी बॉल थी लेकिन अभी 3 ही बॉल हुई हैं। चौथी बॉल करते हुए लोकेश चाइना और एक और वाइड बॉल। टोनू भाई फ्रॉम खुर्जा को चीता ही कह देते और एम्पायरिंग की जिम्मेवारी संभालते हुए दो वाइड हो चुकी हैं और 3 वाइड के बाद अगली वाइड पर बॉल बढ़ जाएगी और ये चौथी बॉल करेंगे लोकेश चाइना, काफ़ी अच्छी बॉल, लो सिलो कटर और डॉट बॉल, 4 लगातार बॉल डॉट हो चुकी हैं और 5वीं बॉल करेंगे लोकेश चाइना, काफ़ी अच्छी बॉल, घातक गेंदबाजी करते हुए लोकेश चाइना, बैक टू बैक 5 बॉल लगातार डॉट हो चुकी हैं और ये 6वीं बॉल करेंगे ओवर द विकेट, उठा दिया है बॉल जा रही है काफ़ी दूर, देखते हैं क्या होता है और बहुत ही तगड़ा छक्का मार दिया है राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा ने, 6 बॉलों पर 1 छक्का मार पाए अब और बॉलिंग करेंगे बबलू खैरपुर, डबल विकेट मुकाबला चलता हुआ और बबलू खैरपुर अब बॉलिंग करेंगे और अब बबलू खैरपुर राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे, बल्लेबाजी करते हुए राहुल सोलंकी, पहली बॉल और डॉट बॉल, कल के हीरो बबलू खैरपुर और दूसरी बॉल करेंगे अब और दूसरी बॉल बबलू की, एक और डॉट बॉल, बबलू खैरपुर काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए, बिक्की यादव फ्रॉम बहरामपुर को भी चीता ही कह देते, ऑल इंडिया में से किसी भी प्लेयर को बुला सकते हैं खेलने के लिए, 3री बॉल करेंगे बबलू और लो फुल टॉस और बॉल जा रही है वन बाउंस बाउंड्री के बाहर 4 रन, 3री बॉल लगातार डॉट और ये 5वीं 4थी बॉल करेंगे बबलू और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रन, काफ़ी तगड़ा छक्का राहुल सोलंकी द्वारा, 10 बॉलों पर 2 छक्के लग चुके हैं अब तक और 2 बाकी बॉल बची हैं पहले मुकाबले की, 20,000 रुपये का सेट और 1,00,000 रुपये की हार जीत, 5वीं बॉल करेंगे बबलू और वाइड बॉल और 5वीं बॉल करेंगे बबलू, एक और फुल टॉस और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर और मकान के ऊपर कर 6 रन, 11 बॉलों पर 3 छक्के लग चुके हैं अब तक और अंतिम बॉल करेंगे पहले मैच की बबलू खैरपुर और ये 6ठी बॉल और एक और छक्का राहुल सोलंकी द्वारा, इस ओवर में 3 छक्के लगे और मुकाबले को जीतने के लिए लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर को 12 बॉलों पर 5 छक्के की जरूरत है, काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा, बल्लेबाजी करेंगे लोकेश चाइना फ्रॉम गाजियाबाद, बॉलिंग के लिए तैयार है लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान, पहली बॉल और पहला बॉल और पहला ही बॉल बाउंड्री के काफी दूर 6 रन, पहली बॉल पहला छक्का, किंग ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट लोकेश चाइना फ्रॉम गाजियाबाद और दूसरी बॉल करेंगे लोकेश मीना और काफी गति के साथ आई थी बॉल डॉट बॉल और 3री बॉल करेंगे लोकेश मीना और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, देखते हैं क्या होता है लेकिन 1 बाउंस डॉट बॉल, 3 बॉल 1 छक्का, 4थी बॉल करेंगे लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान, पहली बॉल छक्के खाने के बाद 2 बॉल लगातार डॉट, पटकी हुई बॉल एक बार और काना जाट बॉल को पकड़ पाएंगे और काना जाट ने आसानी से कैच को पकड़ लिया और 4थी बॉल पर आउट हो चुके हैं लोकेश चाइना, 5वीं बॉल खेलेंगे बबलू खैरपुर, राउंड द विकेट करेंगे लोकेश मीना बॉल, 4 बॉल 1 छक्का और बॉल जा रही है
बेहतरीन शॉट बबलू खैरपुर द्वारा, पहली बॉल आते ही पहली बॉल पर छक्का। और छठी बॉल करेंगे लोकेश मीना और वाइड बॉल और ये फुल टॉस बॉल थी और ये डॉट बॉल। छह बॉलों पर दो ही छक्के मार पाए हैं बबलू खैरपुर, एक लोकेश चाइना और एक बबलू खैरपुर। छह बॉलों पर अब तीन छक्के की जरूरत है। बॉलिंग करेंगे राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा। बॉल पर दो छक्के की जरूरत मैच को जीतने के लिए। और बबलू ने एक और छक्का मार दिया है, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, छह रन। बबलू खैरपुर को चीता ही कह देते हैं, लगातार दो बॉलों पर दो छक्के और चार बॉलों पर एक छक्के। बबलू चीता से बबलू मॉन्स्टर हो गए। और चार बॉलों पर एक छक्के की जरूरत है, देखते हैं क्या करेंगे। और बॉलिंग करेंगे राहुल सोलंकी और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, छह रन। और इस मुकाबले को जीत चुके हैं बबलू खैरपुर और लोकेश चाइना, पहले मुकाबले को जीत चुके हैं और भारी मात्रा में दर्शक आते हुए मैच को देखने के लिए। और बबलू ने सिस्टम ही हिला दिया और पहले मुकाबले को जीत चुके और अपने भाई टोनू फ्रॉम खुर्जा को चीता ही कह देते हैं, सिस्टम हिलवा रखा है भाई ने। मैच कैसे लग रहे हैं? बहुत तकड़े। और पहला मुकाबला समाप्त हो चुका है। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल के लिए और भाइयों के स्वागत के लिए, पर बने रहो भाई। और अब दूसरे मैच की पहली बॉल करेंगे लोकेश चाइना, पहली बॉल करेंगे लोकेश चाइना और वाइड बॉल। दूसरा मुकाबला चलता हुआ, 20,000 रुपये का सेट और 1,00,000 की हार जीत। और ये पहली बॉल काफी अच्छी बॉल लोकेश चाइना द्वारा, पहली बॉल वाइड और दूसरी बॉल जो की थी वो पहली बॉल और डॉट। और दूसरी बॉल करेंगे ओवर द विकेट चाइना और एक और तकड़ी बॉल बल्लेबाजी करते हुए लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान। दूसरा मुकाबला चलता हुआ और तीसरी बॉल करेंगे लोकेश चाइना और वाइड बॉल, और वाइड हो चुकी है दो बॉल। और तीसरी बॉल करेंगे दूसरे मैच की लोकेश चाइना और काफी तगड़ा शॉट, फुल टॉस बॉल थी और बहुत दूर गई बाउंड्री के बाहर, छह रन। तीन बॉलों पर पहला छक्का लग चुका है। और चौथी बॉल करेंगे लोकेश चाइना और वाइड बॉल, और अब वाइड बॉल होगी तो बॉल बढ़ जाएगी। चौथी बॉल करेंगे लोकेश चाइना, बल्लेबाजी करते हुए लोकेश मीना, काफी अच्छी बॉल लोकेश चाइना द्वारा। और पांचवी बॉल करेंगे लोकेश, काफी अच्छी बॉल और डॉट बॉल। पांच बॉलों पर एक छक्का हो चुका है, दूसरा मुकाबला चलता हुआ। और दूसरे मैच की छठी बॉल करेंगे लोकेश चाइना, काफी बेहतरीन शॉट, उसके नीचे है मौजूद बबलू खैरपुर और इसी के साथ पहला विकेट हो चुका है आउट। छह बॉलों पर एक छक्का और बल्लेबाजी करेंगे अब राहुल सोलंकी और बॉलिंग करेंगे बबलू खैरपुर, और अब बॉलिंग करेंगे राहुल सोलंकी। और बबलू ने काफी तगड़ा छक्का और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, इशू फ्रॉम ओरैया, अभी बॉल को नहीं रोक पाएंगे, काफी दूर गई। और बबलू खैरपुर ने बेहतरीन छक्का मारा। दूसरा ओवर करेंगे बबलू और काफी अच्छी बॉल थी, पहली बॉल डॉट। सात बॉलों पर एक छक्का लग चुका है अब तक। दूसरी बॉल करेंगे बबलू खैरपुर और काफी अच्छी बॉल, बिक्की यादव फ्रॉम बहरामपुर बॉल से बचते हुए और गोली की तरह बैट से लगकर बॉल गई थी और डॉट बॉल। और तीसरी बॉल और वाइड बॉल, आठ बॉलों पर एक छक्का और ये तीसरी बॉल, फुल टॉस बॉल और बॉल बाउंड्री से भी पार, बहुत दूर और छक्का। तीसरी बॉल पर पहला छक्का लग चुका, दूसरा छक्का लग चुका है अब। नौ बॉलों पर दो छक्के लग चुके हैं। चौथी बॉल करेंगे राउंड द विकेट बबलू खैरपुर और एक और अच्छी बॉल और डॉट बॉल। और पांचवी बॉल करेंगे बबलू अपने स्टाइल में और नहीं रोक पाएंगे और डॉट बॉल। और ये दूसरे मैच की अंतिम बॉल, बारहवीं बॉल करेंगे बबलू, काफी अच्छी बॉल थी और उससे भी बेहतरीन शॉट और बॉल गई बाउंड्री के बाहर, छह रन। और बारह बॉलों पर तीन छक्के लग चुके हैं और अब बल्लेबाजी करेंगे लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर। बारह बॉलों पर चार छक्के की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। बारह बॉलों पर दो छक्के की जरूरत है और बल्लेबाजी करते हुए लोकेश चाइना और बॉलिंग करेंगे लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान। और पहली बॉल करेंगे राउंड द विकेट लोकेश मीना, 12 बॉलों पर चार छक्के की जरूरत। दूसरा मुकाबला चलता हुआ,
पहले मैच को जीत चुके हैं लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर। उठा दिया है फील्डर, उसके नीचे मौजूद नहीं, और ये बॉल डॉट ही होगी, और ये डॉट बॉल काफी देर हवा में रही थी पहली बॉल खेलने के बाद। और अब बल्लेबाजी करेंगे बबलू खैरपुर, और अब बल्लेबाजी करेंगे बबलू खैरपुर। पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल काफी अच्छी बॉल थी और डॉट बॉल। तीसरी बॉल करेंगे लोकेश मीना, तो लगातार बॉल डॉट, बॉल जा रही है, शॉर्ट पिच बॉल थी और ये कुछ नहीं होगा, और ये डॉट बॉल, तीन लगातार बॉल डॉट। चौथी बॉल करेंगे लोकेश मीना, और ये भी डॉट, चार बॉल लगातार डॉट। और अब पांचवी बॉल करेंगे लोकेश मीना, चार बॉल लगातार डॉट के बाद। वाइड बनाने का, वीडियो बनाने का कुछ तो फायदा, वाइड और वाइड बॉल, पांचवी बॉल शॉट है, और पहला छक्का, पांचवी बॉल बाउंड्री के बाहर, पटकी हुई बाउंसर बॉल थी और बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन, कुलदीप फ्रॉम मकोड़ा। और अंतिम बॉल करेंगे लोकेश मीना, और बॉल हवा में उछल चुकी है, लोकेश मीना बॉल पर जाते हुए, और कैच आउट हो चुके हैं बबलू खैरपुर। और अब एक ओवर में 3 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए। बल्लेबाजी करेंगे लोकेश चाइना, बल्लेबाजी करेंगे लोकेश चाइना, और उसको भी उठा दिया है, वाइड बॉल थी और फील्डर उसके नीचे है राहुल सोलंकी, और कैच आउट। इस मुकाबले को जीत चुके राहुल सोलंकी और लोकेश मीना, पहले मैच को जीते थे बबलू खैरपुर और लोकेश चाइना, और दूसरे मैच को जीत चुके हैं अब राहुल सोलंकी और लोकेश मीना। गौरव फ्रॉम सोराजपुर जाते हुए, और टोनू भाई फ्रॉम खुर्जा, बिक्की यादव फ्रॉम बहरामपुर। मुकाबला चलता हुआ, पहली बॉल करेंगे लोकेश चाइना, और बोल्ड, पहली बॉल पर काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए लोकेश चाइना, और पहली बॉल पर बोल्ड हो चुके हैं राहुल सोलंकी। और ये दूसरी बॉल करेंगे तीसरे मैच की, काफी अच्छी बॉल लोकेश चाइना द्वारा डॉट बॉल, और तीसरे मैच की तीसरी बॉल करेंगे लोकेश चाइना, काफी अच्छी बॉल लोकेश चाइना द्वारा, 3 बॉल लगातार डॉट। चौथी बॉल करेंगे तीसरे मैच की, और बहुत ही बढ़िया शॉट, काफी दूर गई बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रन। और पांचवी बॉल, बेहतरीन शॉट, उसके नीचे जाते हुए बबलू, देखेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन। पांचवी बॉल 2 छक्का, और चीता ही कह देते हैं लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान को, 2 बॉल पर 2 लगातार छक्के। तीसरे मैच की छठी बॉल, और बहुत ही अच्छी बॉल थी, लेकिन 9 बॉल 1 बाउंस, 4 रन, 5 बॉलों पर 2 छक्के लग चुके हैं अब तक। और छठी बॉल करेंगे लोकेश चाइना, और एक और 9 बॉल, अपने ही स्टाइल में शॉट मार रहे थे, लेकिन बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन, और एक और 9 बॉल बैक टू बैक, 2 9 बॉल के बाद छठी बॉल, और बेहतरीन शॉट मार दिया है, बॉल जा रही है 1 बाउंस, 4 रन, और 6 बॉलों पर 2 छक्के लग चुके हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान। तीसरे मैच की 7वीं बॉल करेंगे बबलू, और पहली बॉल डॉट बॉल, और दूसरी बॉल और डॉट बॉल, तीसरी बॉल, बेहतरीन बॉलिंग करते हुए बबलू खैरपुर, लगातार 3 बॉल डॉट। अरे भैया यार, घोड़ी वाले खट्टू को भी चीता ही कह दे, ओए ओ घोड़ी वाले खट्टू को भी चीता ही कह दे आकू। हाँ, और ये चौथी बॉल बबलू की, काफी अच्छी बॉल बबलू खैरपुर द्वारा, लगातार 4 बॉल डॉट। और पांचवी बॉल करेंगे बबलू, और बेहतरीन शॉट, अब तक का सबसे बेहतरीन छक्का लोकेश मीना द्वारा, और बाउंड्री के बाहर, 6 रन, 11 बॉलों पर 3 छक्के लग चुके हैं अब तक। और ये 12वीं बॉल, तीसरे मुकाबला चलता हुआ, और बिक्की यादव फिर हम बहरामपुर नहीं बच पाएंगे बॉल से, और बॉल गोली की तरह गई बॉल, 4 रन, और इस मुकाबले को जीतने के लिए बबलू खैरपुर और लोकेश चाइना को 12 बॉलों पर 4 छक्के की जरूरत है,
अभी एक एक मुकाबला जीत चुके हैं दोनों ही टीम और ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ और 12 बॉलों पर 4 छक्के की जरूरत। पहली बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, 1 बाउंस 4 रन, 11 बॉलों पर 4 छक्के की जरूरत। दूसरी बॉल और भाई अपने स्टाइल में लोकेश चाइना का काफी लंबा छक्का और अब तक का सबसे बड़ा छक्का और इस पर 10 भी रन दिए जाएं कम वो भी थोड़े हैं। इस फ्रॉम और या आते हुए बैट को लेकर 2 बॉलों पर 1 छक्का और तीसरी बॉल काफी अच्छी बॉल राहुल सोलंकी द्वारा डॉट बॉल और चौथी बॉल बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन, 4 बॉलों पर 1 छक्का लग चुका है अब तक। और पांचवी बॉल और काफी तगड़ा छक्का, एक और छक्का और बॉल जा रही है बाउंड्री से भी पार, 6 रन। और अपने भाई सोनू गुजर फ्रॉम खोदना जो कि इस ग्राउंड के मालिक हैं आ चुके हैं मुकाबले को देखने के लिए और अब छठी बॉल करेंगे राहुल सोलंकी और अपने भाई को भी चीता ही कह देते हैं। और छठी बॉल और एक और बॉल अच्छी थी लेकिन ये बॉल डॉट, काना जाट बॉल को रोक पाएंगे, रोक लेंगे और डॉट बॉल। 4 बॉल 6 बॉलों पर 2 छक्के लग चुके और अब 6 बॉलों पर 2 ही छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए। 6 बॉलों पर 2 छक्के, काफी अच्छी बॉल लोकेश मीना द्वारा, 5 बॉलों पर अब 2 छक्कों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। और दूसरी बॉल और बॉल जा रही है और दूसरी बॉल और भाई अपने स्टाइल में ही लोकेश चाइना द्वारा काफी लंबा छक्का और बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन, मुकाबला टाई हो चुका है अब। 4 बॉलों पर 1 छक्के को चाहिए मैच को जीतने के लिए। बॉलिंग करेंगे लोकेश मीना, बल्लेबाजी करते हुए लोकेश चाइना, 4 पर 1 और इसको भी घसीट दिया है, बॉल जा रही है बाउंड्री से भी पार और 6 रन। इस मुकाबले को जीत चुके लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर, ये तीसरा मुकाबला था, पहले को जीत चुके थे लोकेश चाइना और दूसरे को राहुल सोलंकी और तीसरे को फिर जीत चुके हैं लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर और मुकाबला समाप्त हो चुका है। 3 मुकाबले में अब 1 मैच प्लस है लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर। चौथा मुकाबला चलता हुआ और पहली बॉल करेंगे लोकेश चाइना और पहली बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रन। और ये दूसरी बॉल करेंगे लोकेश चाइना, चौथा मैच और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, 1 बाउंस 4 रन, चौथा मुकाबला चलता हुआ, 1 मैच अभी प्लस है लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर। और तीसरी बॉल करेंगे लोकेश चाइना चौथे मैच की, बहुत ही अच्छा शॉट था लेकिन बबलू कुछ नहीं कर पाएंगे और बॉल गई बाउंड्री के भी पार, 6 रन। 3 बॉलों पर 2 छक्के लग चुके हैं अब तक। ओवर द विकेट करेंगे चौथी बॉल, काफी अच्छी बॉल थी और उससे भी तगड़ा शॉट और बॉल जा रही है 1 बाउंस 4 रन और हवा नहीं होती तो बॉल जरूर जाती बाउंड्री के पार, 6 रन। और ये डॉट बॉल, 4 बॉलों पर 2 छक्के हो चुके हैं। और ये पांचवी बॉल करेंगे, और ये पांचवी बॉल करेंगे लोकेश चाइना, काफी अच्छी बॉल और ये भी डॉट बॉल। और चौथी बॉल, छठी बॉल और बॉल जा रही है काफी दूर और काफी लंबा छक्का और वीडियो बनाने का कुछ तो फायदा हुआ। और 9 बॉल और ये छठी बॉल, काफी अच्छी बॉल और वाइड बॉल, और माफ कीजिए ये वाइड बॉल नहीं थी, एक ओवर में 3 छक्के मार दिए राहुल सोलंकी। बॉलिंग करेंगे बबलू और स्लो बॉल और उसके पीछे भागते हुए बबलू और कैच छूट चुकी है बबलू खैरपुर से, अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, पहली बॉल पर कैच छूट चुकी है और अब इसका इंतजाम भुगतेंगे बबलू खैरपुर, देखते हैं क्या होता है, मेरे इंतकाम की सजा होगी। और अब आ चुके अपने भाई जीतते फिरोम गाजीबाद को भी चीता ही कह देते हैं पर ये दूसरे वाले चीता हैं। 8वीं बॉल करेंगे बबलू, मतलब दूसरी बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, देखते हैं क्या होता है और बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन, काफी दूर, काफी लंबा छक्का और 8 बॉलों पर 4 छक्के लग चुके हैं अब तक। और तीसरी बॉल करेंगे बबलू और एक और डॉट बॉल, लगातार 3 बॉलों पर और एक और डॉट बॉल, ले बैक ऑफ द हैंड कटर बॉल और डॉट बॉल बबलू खैरपुर द्वारा, 4 बॉल और
10 बोलों पर 4 छक्के लग चुके हैं, बाकी बची हैं अभी 2। चौथा मुकाबला चलता हुआ और बेहतरीन शॉट और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन 11 बोलों पर 5 छक्के लग चुके हैं। काफी तकड़ी बल्लेबाजी करते हुए राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा को चीता ही कह देते हैं। 11 बोलों पर 5 छक्के और आखिरी बॉल करेंगे बबलू और एक और छक्का, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का, 3 उसमें और 3 इसमें। बेहतरीन छक्के मारे राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा को चीता ही कह देते हैं और 7 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए बबलू खैरपुर और लोकेश चाइना को। 12 बोलों पर 7 छक्के, चीकू को भी चीता ही कह देते हैं। बल्लेबाजी करेंगे बबलू खैरपुर, बॉलिंग करेंगे लोकेश मीना। 12 बोलों पर 7 छक्के की जरूरत है, देखते हैं क्या होता है। काफी तगड़ी बल्लेबाजी करी है राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा ने। चौथा मुकाबला चलता हुआ और पहली बॉल करेंगे लोकेश मीना और डॉट बॉल, लोफुल टॉस डॉट बॉल और दूसरी बॉल करेंगे लोकेश और वाइड को भी घसीटते हुए बबलू, डॉट बॉल, 2 लगातार बॉल डॉट और तीसरी बॉल और काफी दिमाग के साथ बॉलिंग करते हुए लोकेश मीना, 3 बॉल लगातार डॉट और चौथी बॉल, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ और 4 रन डॉट बॉल, 4 बॉल लगातार डॉट और पांचवी बॉल और रिकॉर्ड डॉट बॉल। अंतिम बॉल खेलेंगे लोकेश चाइना मैच की, इस ओवर की अंतिम बॉल और ये भी डॉट बॉल और मैडन ओवर डाल दिया लोकेश मीना फिर हम राजस्थान को चीता ही कह देते हैं। बहुत तगड़ी बॉलिंग करी है भाई ने, काफी तगड़ी गेंदबाजी करते हुए लोकेश मीना फिर हम राजस्थान। 7 छक्कों की जरूरत और पहली बॉल, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, काना जाट कहीं पाएंगे और कैच छूट चुकी है और इस मुकाबले को जीत चुके हैं लोकेश मीना और राहुल सोलंकी। 4 मैचों में अब 2-2 मुकाबले जीत चुके हैं और अभी तक कोई हार नहीं है और कोई जीत नहीं है, 4 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। बिक्की यादव फ्रॉम बहरामपुर और टोनी भाई फ्रॉम खुर्जा से को चीता ही कहते थे, दोनों को मैच के बारे में कुछ कहेंगे दोनों भाई? बहुत ही तगड़े मैच, शानदार मैच, बहुत ही शानदार प्लेयर, अच्छे मैच। और दूसरी बॉल करेंगे अब, 2 मैच प्लस है अभी लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर वीडियो में दोबारा आ चुके हैं और 2 मैच अभी प्लस है, 2 बॉल लगातार डॉट हो चुकी हैं और तीसरी बॉल करेंगे। काफी बेहतरीन शॉट और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन, काफी तगड़ा छक्का, काफी अच्छी बॉल और डॉट बॉल, 4 बॉल 1 छक्का, 2 मैच अभी प्लस है बबलू खैरपुर और लोकेश चाइना और तीसरी बॉल, 5वीं बॉल करेंगे लोकेश। बेहतरीन शॉट राहुल सोलंकी द्वारा, काफी लंबा छक्का और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन, 2 मैच अभी प्लस हैं और 6ठी बॉल करेंगे और एक और छक्का, काफी लंबा छक्का जाता हुआ, बॉल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन, 6 बॉलों पर 3 छक्के मार चुके हैं राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा और अब बॉलिंग करेंगे बबलू खैरपुर, राउंड द विकेट और छक्का, 4 छक्के हो चुके हैं 7 बॉलों पर और 8वीं बॉल, काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा और तीसरी बॉल और एक और छक्का, काफी तकड़ा शॉट और काफी देर हवा में और बॉल काफी दूर, 6 रन और 11वीं बॉल, वाइड बॉल, 5 छक्के लग चुके हैं अब तक, बहुत बढ़िया और काफी अच्छी बॉल थी लो फुल टॉस और डॉट बॉल, 5 छक्के लग चुके हैं अब तक, 11 बॉलों पर राहुल सोलंकी नाराज खुद से, काफी अच्छी बॉल थी 6 के लिए। 2 मैच अभी प्लस हैं बबलू खैरपुर और लोकेश चाइना, 20,000 रुपये का सेट चलता हुआ, 1,00,000 की हार जीत और एक और काफी अच्छी बॉल बबलू खैरपुर द्वारा, 6 बॉलों 12 बॉलों पर और 12वीं बॉल करेंगे बबलू, कौन सी बॉल है, अरे एक और छक्का, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर,
छह रन और तीन इसमें लगे और तीन पिछले में लगे। मैच को जीतने के लिए 7 छक्के चाहिए। क्या मार पाएंगे लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर? और पहली बॉल करेंगे लोकेश मीना और उससे भी बेहतरीन शॉट और बॉल काफी दूर, काफी लंबा छक्का। पहली बॉल पर पहला छक्का। 11 बॉलों पर 6 रन चाहिए, मैच 6 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए। और दूसरी बॉल करेंगे लोकेश मीना, बल्लेबाजी करते हुए लोकेश चाइना और भाई उससे भी तगड़ा छक्का, बैक टू बैक बड़ा छक्का, काफी दूर गई बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रन। 2 बॉलों पर 2 लगातार छक्के। तीसरी बॉल करेंगे लोकेश मीना, बल्लेबाजी करते हुए लोकेश चाइना और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ और 4 रन डॉट बॉल। और 3 बॉलों पर 2 छक्के। चौथी बॉल काफी अच्छी बॉल लोकेश मीना द्वारा डॉट बॉल। पांचवी बॉल, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर और काफी लंबा छक्का, एक और छक्का। 5 बॉलों पर 3 छक्के मार दिए हैं लोकेश चाइना फ्रॉम गाजियाबाद को, चीता ही कह देते। 5 बॉलों पर 3 छक्के, एक फुल टॉस बॉल चूक गई और एक काफी अच्छी बॉल करी थी लोकेश मीना ने। और अब छठी बॉल करेंगे, देखते हैं क्या होता है। छठी बॉल, नो बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, 4 बाउंस और 6, 7, 8 और बाउंड्री के बाहर 4 रन। 5 छक्के लग चुके हैं, 3 बॉल पर 9 बॉल हो चुकी थी। और छठी बॉल करेंगे लोकेश मीना, बल्लेबाजी करते हुए लोकेश चाइना और 9 और वाइड के बाद फिर कैसे मैच शुरू। छठी बॉल काफी अच्छी बॉल थी और काना जाट बॉल को रोक पाएंगे और डॉट बॉल। और मुकाबले में 3 छक्के लग चुके हैं, 36 बॉलों पर और 4 छक्के चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए लोकेश चाइना, बल्लेबाजी करते हुए। क्या मार पाएंगे लोकेश चाइना? 6 बॉलों पर 4 छक्के। देख अब प्रशांत भाटी फ्रॉम पाली को भी चीता ही कह देते हैं, काफी तगड़ा ऑलराउंडर टेनिस बॉल का ये भी। और अब बॉलिंग करेंगे राहुल सोलंकी, बॉल जा रही है सामने की तरफ और डॉट बॉल। और अब बॉलिंग बल्लेबाजी करेंगे बबलू खैरपुर, 5 बॉलों पर 4 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए। राहुल सोलंकी बॉल करते हुए और पहली बॉल रडार मर थी लेकिन बबलू खैरपुर कुछ खास नहीं कर पाए और डॉट बॉल। 4 बॉलों पर 4 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए। कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करते हुए तीसरी बॉल, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, 1 बाउंस 4 रन और फिर बल्लेबाजी करेंगे लोकेश चाइना। 3 बॉलों पर 3 छक्के चाहिए मैच को टाई करने के लिए। बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, देखते हैं क्या होता है, लेकिन डॉट बॉल। और इस मुकाबले को हार चुके हैं लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर। अब एक ही मैच प्लस हैं लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर, अभी एक मैच प्लस हैं। फिर मैचों की वीडियो नहीं बनाई थी और एक मैच अभी प्लस हैं लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर। और कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करी जाए सभी भाइयों के लिए। अगले मैच की पहली बॉल और डॉट बॉल, मुकाबला चलता हुआ और पहली बॉल मैच शुरू हो चुका है। एक मैच अभी प्लस है लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर। दूसरी बॉल का अपनी स्टाइल में बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन। दूसरी बॉल पर पहला छक्का और दूसरी तीसरी बॉल और भाई एक और अपनी स्टाइल में और बेहतरीन शॉट और बॉल गई बाउंड्री से बाहर, 6 रन। और भज्जी भाई फ्रॉम सिकरोड गाजियाबाद को चीता कह देते, सिस्टम डालने में किसी से कम नहीं है और टूर्नामेंट का फाइनल ही खेल लिया 2 मैचों के बाद, इनको चीता ही कह देते हैं। और ये चौथी बॉल करेंगे लोग राहुल सोलंकी और डॉट बॉल, मिलियन बढ़वा दो। और ये पांचवी बॉल और डॉट बॉल, भज्जी भाई कैरी मिनाटी से कहकर 3-4 मिलियन फॉलोअर्स बढ़वा दो ना। और भाई एक और शॉट बॉल जा रही है, उसके पीछे है काना जाट और ये कैच छूट चुकी है, ओवर समाप्त।
छह बोलो पर दो ही छक्के मार पाए हैं अभी लोकेश चाइना, और बॉलिंग करेंगे अब लोकेश मीना, और अब बॉलिंग करेंगे लोकेश मीना। राउंड द विकेट, छह बोलो पर दो छक्के लग चुके हैं। काफी गति के साथ बॉल और आउट, हेड विकेट आउट हो चुके हैं लोकेश चाइना। और दूसरी बॉल करेंगे लोकेश मीना, राउंड द विकेट और डॉट बॉल, काफी अच्छी बॉल थी। और भज्जी भाई भी आ चुके हैं मुकाबले को देखने के लिए, इनको चीता ही कह देते हैं, किसी भी सिस्टम में हल्के आदमी नहीं है ये। और अब तीसरी बॉल करेंगे और डॉट बॉल, और चौथी बॉल और वाइड बॉल, काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान। और चौथी बॉल करेंगे, नौ बॉलों पर दो छक्के लग चुके हैं। बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं, और ये डॉट बॉल, डॉट बॉल, लेग स्टंप पर अब कोई मतलब नहीं, छक्का चला जाए। काफी गति के साथ हवा चलती हुई, और बबलू खैरपुर अब वर्दी को भी उतार चुके हैं और बल्लेबाजी करेंगे। और बॉल जा रही है बाउंड्री के वन बाउंस फोर, और थोड़ी रह गई थी बॉल बाउंड्री से, और डॉट बॉल। और ये छठी बॉल करेंगे, मैडन ही ओवर डाल दिए हैं लगता है, क्या करेंगे। अंतिम बॉल लोकेश मीना द्वारा, और बबलू खैरपुर ने, और ये डॉट बॉल, नो बॉल थी और डॉट बॉल, छठी बॉल, और ये डॉट बॉल, मैडन ही ओवर डाल दिया लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान को। काफी अच्छी बॉलिंग करी, और अब मुकाबले को जीतने के लिए राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा को 12 बोलो पर तीन छक्के की जरूरत। काफी अच्छी बॉलिंग करी है लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान ने, मैडन ही ओवर डाल दिया, काफी तगड़े फेमस खिलाड़ी हैं। बॉलिंग करेंगे लोकेश चाइना, बल्लेबाजी करेंगे राहुल सोलंकी, 12 बोलो पर तीन छक्के की जरूरत। पहली बॉल करेंगे, एक मैच अभी प्लस है, लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर। पहली बॉल काफी अच्छी बॉल लेकिन वाइड बॉल, काफी अच्छी बॉल थी लेकिन ओवर पिच हो डाली। और बॉल को पकड़ेंगे सौरभ फ्रॉम घोड़ी, नहीं रोक पाएंगे, और बॉल वन बाउंस चार रन। और दूसरी बॉल करेंगे लोकेश चाइना, लोफुल टॉस और बॉल गई बाउंड्री के बाहर, वन बाउंस चार रन, दो बॉल लगातार डॉट। तीसरी बॉल काफी अच्छी बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, छह रन, काना जाट हाइट कितना ही। तीसरी बॉल काफी अच्छी बॉल और डॉट बॉल, तीन बॉल एक छक्का। और चौथी बॉल, तीन बॉल पर एक छक्का, काफी अच्छी बॉल लोकेश चाइना द्वारा, डॉट बॉल। और पांचवी बॉल करेंगे, आठ बॉल पर दो छक्कों की जरूरत, काफी अच्छी बॉल, और नहीं बच पाएंगे बॉल से, बोली की तरह, गोली की तरह जाकर लगी बैक, और खिलाड़ी को इंजर्ड करती हुई दर्शकों में। और छठी बॉल करेंगे लोकेश चाइना, और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर काफी दूर, काफी लंबा छक्का, और छह रन, अब छह बॉलों पर एक छक्का चाहिए मैच को जीतने के लिए। काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा। और अब बॉलिंग करेंगे बबलू, और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, छह रन, और इस मुकाबले को जीत चुके हैं अब राहुल सोलंकी और लोकेश मीना। और अभी कोई हार नहीं है और कोई जीत नहीं है, अभी जितने भी मुकाबले हुए हैं अभी कभी कोई हार नहीं है और कोई जीत नहीं है, अभी तक बराबर हैं दोनों टीमें, अभी कोई हार नहीं है कोई हार नहीं है और अभी कोई जीत नहीं है। और काफी तगड़ा रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, चीता ही कह देते इन चारों को भी और मुकाबला बराबर, अभी कोई हार नहीं है और कोई जीत नहीं है।
काना जाट फिर हम हाथरस को सबसे बड़ा चीता कह देते, काफी तकड़ी रनिंग के साथ कैच को लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। और अभी बराबर बिक्की यादव फ्रॉम बहरामपुर, कोई हार नहीं है और अभी कोई जीत नहीं है। बॉल और ये डॉट बॉल, और अब तक के मुकाबलों में दो मैच प्लस है राहुल सोलंकी और लोकेश मीना। वीडियो अभी बाकी मैचों की बनाई नहीं थी, दो मैच प्लस हैं राहुल सोलंकी और लोकेश मीना। दूसरी बॉल करेंगे बबलू खैरपुर और वाइड बॉल, दूसरी बॉल करेंगे बबलू, दो मैच प्लस हैं अभी। लोकेश मीना और राहुल सोलंकी दो मैच अभी प्लस हैं अब तक के मुकाबलों में। वीडियो नहीं बनाई थी बाकी मैचों की, और अब फिर कैसे वीडियो बनाते हुए दो बॉल लगातार डॉट बबलू खैरपुर द्वारा। तीसरी बॉल, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर उसके नीचे, देखेंगे क्या होएगा। और छह रन, तीसरी बॉल पर पहला छक्का राहुल सोलंकी द्वारा। चौथी बॉल करेंगे बबलू, और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, लेकिन ये डॉट बॉल, और ये डॉट बॉल, चार बॉलों पर एक छक्का लग चुका है अब तक। और पांचवी बॉल करेंगे बबलू, बल्लेबाजी करते हुए राहुल सोलंकी, और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, छह रन, पांच बॉलों पर दो छक्के लग चुके हैं अभी राहुल सोलंकी द्वारा। चीता ही कह देते हैं राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा को, पांच बॉलों पर दो छक्के। और छठी बॉल करेंगे बबलू, और एक और अच्छी बॉल, लेकिन छह बॉलों पर दो छक्के मार पाए राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा। काफी तगड़े बल्लेबाज और काफी तगड़े बॉलर हैं ये भी। और अब बॉलिंग करेंगे लोकेश चाइना, पहली बॉल फुल टॉस बॉल, और बॉल जा रही है काफी दूर बाउंड्री के पार, छह रन, एक और छक्का। और दूसरी बॉल करेंगे लोकेश चाइना, तीन छक्के लग चुके हैं अब तक। और एक और अच्छी बॉल, लेकिन डॉट बॉल, आठ बॉलों पर तीन छक्के लग चुके हैं अब तक। और तीसरी बॉल करेंगे लोकेश चाइना, एक और अच्छी बॉल, लेकिन बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, और वन बाउंस, और छह रन, हेलमेट भाई छक्का देते हुए, और ये छह ही रन है, इसमें कोई शक की गुंजाइश, छह ही है। और ये छह रन, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बहुत ही अच्छा शॉट मारा राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा ने। और चौथी बॉल करेंगे, अब तक नौ बॉलों पर चार छक्के लग चुके हैं, चौथी बॉल करेंगे, काफी अच्छी बॉल लोकेश चाइना द्वारा, डॉट बॉल, वन बाउंस, टू बाउंस, थ्री बाउंस और फोर बाउंस बाउंड्री के बाहर, चार रन। और जवान मूवी का डायलॉग शाहरुख खान का, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और पांचवी बॉल, और एक और वाइड बॉल, और दस बॉलों पर चार छक्के मार चुके हैं राहुल सोलंकी। पांचवी बॉल, काफी अच्छा शॉट, और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, और छह रन, काफी लंबा छक्का और बेहतरीन शॉट राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा द्वारा। और बिक्की फ्रॉम बहरामपुर द्वारा नौ बॉल, पांच छक्के लग चुके हैं दस बॉलों पर। ग्यारहवीं बॉल, काफी अच्छी बॉल लोकेश चाइना द्वारा, डॉट बॉल। और अंतिम बॉल, दो मैच अभी प्लस हैं राहुल सोलंकी, पांच छक्के लग चुके हैं अब तक, काफी अच्छी बॉल और डॉट बॉल मैच को जीतने के लिए बबलू खैरपुर और लोकेश चाइना को। और छः बारह बॉलों पर अब छः छक्के चाहिए, नौ बॉल काफ़ी देर के बाद शुरू होता हुआ मैच, नौ बॉल के ऊपर जांच चलती हुई, और लेकिन मैच अब शुरू होगा। बारह बॉलों पर छः छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए, दो मैच अभी प्लस हैं लोकेश राहुल सोलंकी और लोकेश मीना फ्रॉम मथुरा। और अब बॉलिंग करेंगे राहुल सोलंकी, छः बॉलों बारह पर छः, और पहली बॉल पहला छक्का लोकेश चाइना द्वारा बाउंड्री से भी बाहर, और छः रन, काफ़ी लंबा छक्का पहली बॉल पर। 11 बॉलों पर अब पांच छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए। दूसरी बॉल और तीसरी बॉल, और बेहतरीन शॉट, शॉट ऑफ द डे, और बॉल गई बाउंड्री के बाहर, काफी दूर, काफी लंबा छक्का सड़क से भी पार, और छह रन।
और चौथी बॉल करेंगे और काफी अच्छी बॉल और डॉट बॉल पांचवी बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री से और छह रन पांच बॉलों पर दो छक्के लग चुके हैं और छठी बॉल और काफी लंबा छक्का और बॉल बहुत ही दूर जाती हुई छह रन काफी लंबा छक्का छह बॉलों पर तीन छक्का छह बॉलों पर तीन छक्के पहली बॉल और पहला छक्का लोकेश चाइना द्वारा छह बॉलों पर तीन छक्के की जरूरत थी और अब पांच बॉलों पर दो छक्के की जरूरत है मैच को जीतने के लिए पांच बॉलों पर दो छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए और शॉट ऑफ द डे और बॉल काफी दूर और काफी लंबा छक्का किंग ऑफ टेनिस बॉल लोकेश चाइना द्वारा और काफी लंबा छक्का ये सबसे लंबा छक्का अब तक और मुकाबला टाई हो चुका है अब और चार बॉलों पर एक छक्के की जरूरत है मैच को जीतने के लिए और वाइड बॉल और चार बॉलों पर एक छक्के की जरूरत और ये पीछे आती हुई फुल टॉस बोलती लेकिन डॉट बॉल और अपने गुरुजी ललित भाई भी आ चुके हैं खैरपुर और अपने भाई सचिन कुलदीप मकोड़ा सागर और इसको भी चीता ही कह दो गौरव कुमार सोराजपुर वाले और सागर मन्नत इंटरप्राइज के ओनर जो कि नायफल में इनकी शॉप है काफी तगड़े मैकेनिक और तीन बॉलों पर एक छक्का अरे यार और फील्डर है मौजूद वहां पर राहुल सोलंकी और कैच आउट और अब दो बॉलों पर एक छक्के की जरूरत है बबलू खैरपुर बल्लेबाजी करेंगे और अब बबलू खैरपुर बल्लेबाजी करेंगे दो बॉलों पर एक ही छक्के की जरूरत और ये महाबनोपुर लोकेश मीना द्वारा दो बॉलों पर एक ही छक्का मैच को जीतने के लिए और बॉल जा रही है बाउंड्री के चार और ये डॉट बॉल नो बॉल थी और डॉट बॉल और दो बॉलों पर एक बार फिर कैसे एक छक्का और बॉल यहीं पर उठ चुकी है और डॉट बॉल काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए लोकेश मीना एक बॉल पर एक ही छक्का और ये भी डॉट बॉल काफी अच्छी वापसी करते हुए लोकेश मीना और ये मुकाबला टाई हो चुका है काफी तगड़ी बॉलिंग करी लेकिन लोकेश चाइना ने काफी अच्छे छक्के मारे पांच और मुकाबले को समाप्त हो चुका है टाई पर टोनू फ्रॉम खुर्जा कोई चीता कह देते हैं और अपने भाई टोनू जो कि रेस्ट ले लेकर एम्पायरिंग भी करते हुए इनको भी चीता ही कह देते हैं इस फ्रॉम ओरैया सिस्टम हिला दिया और गौरव फ्रॉम गाजीबाद जो कि नाइट टूर्नामेंट जीतने वाले घातक गेंदबाज और अपने भाई हेलमेट और बिक्की यादव फ्रॉम बहरामपुर अभी दो मैच प्लस राहुल सोलंकी और लोकेश मीना पहली बॉल डॉट और दूसरी बॉल और बेहतरीन शॉट और बॉल जा रही है बाउंड्री के पार छह रन काफी तगड़ा छक्का दो बॉलों पर पहला छक्का लग चुका है और अभी दो मैच प्लस हैं राहुल सोलंकी और लोकेश मीना और डॉट बॉल काफी अच्छी बॉल थी लेकिन डॉट बॉल मां वाइड थी और काफी अच्छी बल्लेबाजी की है आज राहुल सोलंकी चौथी बॉल और एक और छक्का और चीता ही कह देते राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा को काफी लंबा छक्का चार बॉलों पर दो छक्के लग चुके हैं अब तक और पांचवी बॉल करेंगे बबलू लो फुल टॉस और डॉट बॉल और लास्ट बॉल और ये डॉट बॉल छह बॉलों पर दो छक्के लग चुके काफी तगड़े खिलाड़ी हैं लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान और बबलू खैरपुर आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए भाइयों कोई गलती हो जाती है किसी से तो माफ किया करो और हमसे भी हो जाती है गलती तो माफ जरूर किया करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्रिकेट विद माइकल और अब बॉलिंग करेंगे लोकेश चाइना पहली बॉल और बहुत ही अच्छी बॉल और डॉट बॉल और दूसरी बॉल लो फुल लो कटर बॉल और डॉट बॉल डॉट बॉल और तीसरी बॉल करेंगे लोकेश चाइना ओवर द विकेट फुल टॉस बॉल और उसके नीचे है गौरव भी कुछ नहीं कर पाएंगे
और बॉल बाउंड्री से बाहर 6 रन, 9 बॉलों पर 3 छक्के लग चुके हैं। काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए राहुल सोलंकी फ्रॉम मथुरा, आज तो सिस्टम ही हिला रखा है भाई ने, बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए और बॉलिंग भी, और लोकेश मीना काफी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं लेकिन बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं आज। और डॉट बॉल, और डॉट बॉल, अब नहीं नो बॉल, और डॉट बॉल हो चुके हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, डॉट बॉल बॉल, और हवा में उठ चुकी है बॉल, उसके नीचे फील्डर खुद मौजूद है लोकेश चाइना, और कैच आउट, बहुत ही अच्छी बॉल थी और कैच आउट, और 5वीं बॉल, और डॉट बॉल, 5वीं बॉल, डॉट बॉल, 5-11 बॉलों पर 3 छक्के लग चुके हैं अब तक, और अब अंतिम बॉल करेंगे लोकेश चाइना, 11 बॉलों पर 3 छक्के लग चुके, बल्लेबाज करते हैं लोकेश मीना, और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, उसके नीचे है गौरव, देखेंगे क्या करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, और बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रन, 1 बॉल पर, 2 बॉल पर 1 छक्का मार दिया, और मुकाबले को जीतने के लिए 12 बॉलों पर 5 छक्के की जरूरत है लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर को, और अपने भाई सागर खारी फ्रॉम तिलपता, और अपने भाई लोकी जो कि लेदर के काफी तगड़े खिलाड़ी हैं और फ्रॉम बिशनुली से हैं, रजत मोरकल के पास खड़े हैं, और भज्जी भाई जो कि ये टिंगड़ा बाजी में सबसे एक्सपर्ट आदमी है इसी तक इस ग्राउंड पे आज तक के, 12 बॉलों पर 5 छक्के की जरूरत है, अब मुकाबला चलता हुआ, पहली बॉल और डॉट बॉल, और दूसरी बॉल 11 पर 5, और ये डॉट बॉल लगातार 2 बॉल डॉट, तीसरी बॉल करेंगे लोकेश मीना, और वाइड बॉल, और तीसरी बॉल, और बेहतरीन शॉट, और बॉल जा रही है बहुत ही दूर, और बहुत ही दूर, काफी लंबा छक्का, 3 बॉलों पर पहला छक्का लग चुका है, और डॉट बॉल, 4 बॉलों में 1 छक्का, 4 बॉलों पर 1 छक्का लग चुका है, 5वीं बॉल, और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ लेकिन डॉट बॉल और 1 बाउंस, 6वीं बॉल, और काफी अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल करी, 6 बॉलों पर 1 ही छक्का लगवाया, काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान को चीता ही कह देते हैं, काफी तगड़ी बॉलिंग करते हुए, और 1 ओवर में अब 4 छक्के चाहिए मैच को जीतने के लिए, और अब बॉलिंग करेंगे राहुल सोलंकी, और वाइड बॉल, 1 और वाइड बॉल, और पहली बॉल वाइड के बाद, और बहुत ही लंबा छक्का लोकेश चाइना द्वारा, और ये अब तक का सबसे लंबा छक्का, मकान से भी पार गई बॉल सूरज के पास, और दूसरी बॉल करेंगे 5 बॉलों पर 3 छक्के चाहिए, और 1 और छक्का, और बॉल जा रही है काफी दूर, काफी लंबा छक्का लोकेश चाइना द्वारा, 6 रन, 4 बॉलों पर 2 छक्के की जरूरत, और भाई 1 और छक्का, काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए लोकेश चाइना फ्रॉम गाजियाबाद को चीता ही कह देते हैं, 3 बॉलों पर लगातार 3 छक्के, और मुकाबला टाई, 3 बॉलों पर 1 छक्के की जरूरत, काफी अच्छी बॉल और डॉट बॉल, और वाइड, वीडियो बनाने का कुछ तो फायदा हुआ, और ये डॉट बॉल, 2 बॉलों पर 1 छक्के की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए, काफी अच्छी बॉल राहुल सोलंकी द्वारा, बैक टू बैक 2 बॉल डॉट, 1 बॉल पर 1 छक्के की जरूरत, और बोल्ड, और मुकाबला टाई, 1 और मुकाबला टाई हो चुका है, अभी 2 मैच प्लस है राहुल सोलंकी और लोकेश मीना, और ये मुकाबला टाई हो चुका है, 2 मैच अभी प्लस हैं लोकेश राहुल सोलंकी और लोकेश मीना, 2 मैच अभी प्लस हैं, और अब 3-3 बॉल का मुकाबला, 3 बॉल करेंगे लोकेश चाइना और 3 बॉल करेंगे बबलू खैरपुर, 2 वाइड पर अगली बॉल, पहली बॉल, और पहली बॉल बाउंड्री के बाहर काफी लंबा छक्का, देखते हैं क्या करेंगे, लड़के यार,
भैया अभिषेक भाटी फ्रॉम चौगानपुर को चीता ही कह देते, काफी लंबी रनिंग कैच बाउंड्री पर पकड़ी और काफी तगड़ी शानदार कैच। और अब बल्लेबाजी करेंगे तूफानी बल्लेबाज लोकेश मीना और तूफानी गेंदबाज लोकेश मीना बल्लेबाजी करेंगे। काफी तगड़ी बॉलिंग करी है लोकेश, काफी तगड़ी फील्डिंग करते हुए अभिषेक भाटी फ्रॉम चौगानपुर। और ये दूसरी बॉल करेंगे लोकेश चाइना और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ दोबारा। अभिषेक भाटी क्या कर पाएंगे यार। और ये डॉट बॉल काफी तगड़ी फील्डिंग करते हुए अभिषेक भाटी फ्रॉम चौगानपुर, वन बाउंस फोर मोर। भैया वहां पे भी रस्सी पीछे ही है। पप्पी यार, पप्पी फ्रॉम गाजियाबाद, मन्नत इंटरप्राइज के मालिक विराट सागर फ्रॉम स्वराजपुर, गौरव कुमार चीकू चिप्याने वाले को भी चीता ही कह देते हैं। सुमित भाटी फ्रॉम तिलपता। और तीसरी बॉल काफी अच्छी बॉल लोकेश चाइना द्वारा और डॉट बॉल। तीन बॉल में बबलू खैरपुर करेंगे, तीन बॉल लगातार डॉट हो चुकी थी। और पहली बॉल और बोल्ड बबलू खैरपुर ने पहली बॉल पर बोल्ड कर दिया लोकेश मीना फ्रॉम राजस्थान को। और अब छह बॉलों पर अब एक छक्के की जरूरत है। तीन बॉल करेंगे राहुल सोलंकी और तीन बॉल करेंगे लोकेश मीना। पहली बॉल करेंगे राहुल सोलंकी और अपने स्टाइल में बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, छह रन। और मुकाबले को जीत चुके हैं लोकेश चाइना और बबलू खैरपुर। और अभी एक मैच प्लस है अब तक के मुकाबले में, एक मैच प्लस हो चुके हैं राहुल सोलंकी और लोकेश मीना। अब तक का ये रिजल्ट रहा है, आज काफी अच्छे खिलाड़ी खेले और राहुल सोलंकी ने तो काफी तगड़ी बल्लेबाजी करी है और लोकेश मीना ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी है। और आज मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, अब एक मैच प्लस है, मानो 20,000 रुपए प्लस है लोकेश मीना और राहुल सोलंकी। मुकाबला समाप्त हो चुका है और काफी देर यहाँ पर विवाद। और गौरव जो कि काफी तगड़े ऑलराउंडर है फ्रॉम स्वराजपुर को चीता ही कह देते गौरव। और ये मुकाबला समाप्त हो चुका है, एक मैच प्लस है आज, जब पूरे मैचों में जब से मुकाबले चलते हुए एक मैच प्लस है अभी राहुल सोलंकी और लोकेश मीना। और बिक्की यादव फ्रॉम बहरामपुर, ये ऑल इंडिया में से किसी भी खिलाड़ी को बुला सकते हैं खेलने के लिए, इनको चीता ही कह देते हैं। मन्नत इंटरप्राइज को भी संपर्क करें सागर। और मुकाबला एक मैच प्लस है और ये मुकाबला समाप्त। प्रमोद भाटी फ्रॉम पाली को चीता ही कह देते हैं। 300 रुपए रद्द कर दिए।